हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोग का मेरी वन पीस की वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले जिसको लगता है अगर उसे वन पीस की स्टोरी पता पड़ जाएगी तो उसका वन पीस स्पॉइल आएगा, तो भाइयों ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें लास्ट एपिसोड में क्या देखा था। हमें लास्ट एपिसोड में देखा था कैसे जो है लूफी ने जो है लुच्ची को हरा दिया था, और जो बचे हुए लूफी पायरेट्स थे वो जो है मरीन वालों से लड़ाई कर रहे थे। तो अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो अब होता क्या है, जैसे ही लूफी लुच्ची को हराता है तभी जो लूफी पायरेट्स में एकदम लहर दौड़ जाती है। सब खुश हो जाते हैं, नामी, रॉबिन सब एकदम मुस्कुराते हैं कि लूफी ने उसे हरा दिया है। इधर हम लोग को खबर आती है जो फ्रैंक की फैमिली और जो ग्लोलो कंपनी होती है वो भी बच गए होते हैं, क्योंकि जो पाउली होता है, पाउली ने अपने फ्रूट का यूज़ करके एक जाला टाइप का बनाया था जिससे जो जितने भी मतलब फ्रैंक की फैमिली और जो ग्लोलो कंपनी होती है वो बच जाते हैं। अब क्या होता है, एक कीमत चुकाई होती है लूफी ने उस मतलब इतनी पावर यूज़ करने के बाद। वो ये होती है कि लूफी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता है, और इधर जो क्या बोलते हैं जो स्ट्रॉ हैट पायरेट होते हैं वो लोग कहते हैं कि काम करो, जो हमने शिप हाईजैक करी है उसे लेके और वहाँ से उन्होंने निकलते हैं। ये बात जो है कौन मरीन वाले सुन लेते हैं तो वो शिप को उड़ा देते हैं। पर जो सांजी होता है वो चॉपर को बचा लेता है, और चिमनी और जो कोकोरो होती है उसे बचा के क्या बोलते हैं स्टेज पर ले आता है। इसके बाद मरीन वाले क्या करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म में लूफी पायरेट लोग खड़े होते हैं उसे तबाह करना शुरू कर देते हैं। इधर जो लूफी होता है वो बोलता है, इधर जो क्या बोलते हैं जो ऊसोप होता है वो बोलता है कि लूफी कुछ करो, ऊपर से नीचे आओ, हम बस यहाँ से तुम उधर से इधर कूद जाओ, मैं उसके आगे जो हूँ संभाल लूँगा। पर लूफी एक कदम भी नहीं बढ़ पा रहा होता है। इसके बाद जो निको रॉबिन होती है वो अपने डेविल फ्रूट का यूज़ करती है, अपनी पावर का यूज़ करती है, और लूफी क्या करती है, ढुंगाते ढुंगाते ऊपर से नीचे फेंक देती है, और सभी वहाँ से ऊपर से नीचे कूद जाते हैं। अब क्या होता है, जो लूफी पायरेट्स ऊपर से नीचे कूदते हैं तभी वहाँ पे आ जाती है गोइंग मैरी, और भाई सब लोग बच जाते हैं। और जितने भी वहाँ पे कौन जो मरीन वाले होते हैं उनकी शिप होती है एकदम उन पर हमला कर देती है, और गोइंग मैरी भाई पूरा सपोर्ट करती है उन्हें बचाने में। इधर जो लूफी लोग होते हैं ये क्या करते हैं, लूफी को छोड़ के और जो चॉपर को छोड़ के ये सब लोग लड़ना शुरू करते हैं। फ्रेंकी के हाथ में दो गोले आते हैं, दो फ्रेंकी फेंक फेंक के मारता है। इसके बाद जोरो कुछ गोलों को काटता है, जो हमारे सोगे किंग स्नाइपर होते हैं ये एक दो बॉलों को रोकते हैं। और तभी क्या होता है, इनके पास झुंड का पूरा मतलब बॉल का झुंड सा आता है, और क्या बोलते हैं जो सांजी और जोरो होते हैं वो क्या करते हैं, लूफी को पकड़ते हैं और चौड़ा देते हैं, एकदम से फैला देते हैं, और उसके ऊपर सारी बॉल गिरती है, और सारी बॉल क्या करते हैं वो लोग वापस भेज देते हैं। वहाँ पे धमाका होता है, उस तरीके से क्या होता है लूफी पायरेट्स होते हैं वहाँ से बच के वहाँ से निकल जाते हैं। और पर अंत में जो निको रॉबिन होती है वो स्पैंडम की रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है। और इधर क्या बोलते हैं जो जो ग्लोलो कंपनी होती है और क्या बोलते हैं जो फ्रेंकी फैमिली होती है वो एनएस लोबी की जो ट्रेन होती है उसमें बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं, और लूफी एंड में बोलता है कि हम लोग जो हैं जीत गए। तो दोस्तों अब क्या होता है, जो लूफी होता है वो ऊसोप को ढूंढ रहा होता है, पूरे शिप में ढूंढ डालता है, पर जो ऊसोप होता है वो क्या बोलते हैं मना कर देता है अपने आप को बताने से। सांजी बोलता है कि तुम मुझे बता क्यों देते, पर बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद क्या होता है, वहाँ पे जो है ग्लोलो कंपनी आ जाती है, और ये लोग बात छेड़ते हैं कि हमें जो है गोइंग मैरी की आवाज़ आई थी। सब लोग बोलते हैं तुम पागल हो गया लूफी, पर लूफी बोलता है कि नहीं मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी थी। इसके बाद वहाँ पे ग्लोलो कंपनी आती है, तो तभी क्या होता है जो गोइंग मैरी होती है बीच से टूट जाती है। तो लूफी बोलता है प्लीज़ आप लोग यहाँ पे सब शिप राइटर्स हो तो प्लीज़ इसे ठीक कर दो। तो जो आइसबर्ग होता है वो बोलता है कि मैं इसे जितना ठीक कर सकता था मैंने इसे पहले ही ठीक कर चुका हूँ, पर मैंने ऐसी सिर्फ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। इसके बाद क्या होता है, ये सब कहने के बाद जो अब वो जो आइसबर्ग होता है बोलता है कि अब जो है टाइम आ चुका है इसे अलविदा बोलने का। तो लूफी क्या करता है, एक तीर निकालता है आग से जला हुआ और गोइंग मैरी में आग लगा देता है। इसके बाद जितने भी वहाँ सब खड़े होते हैं मतलब लूफी पायरेट जितने भी होते हैं वो सब पुरानी यादें सोचते हैं कैसे उन्होंने अब तक का सफ़र जो है गोइंग मैरी के साथ क्या बोलते हैं कम्प्लीट किया है। इसके बाद गोइंग मैरी बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम लोगों को ज़्यादा आगे नहीं ले जा पाई, मेरा मन था कि मैं तुम लोगों को आगे ले जाऊं पर ऐसा नहीं हो पाया। इधर लूफी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए कि लूफी और जो जोरो और सांजी ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई शिप में, उसोप ने काफ़ी कोशिश करी इसे ठीक करने की पर वो इतने मतलब अच्छा नहीं है कि तुम्हें ठीक कर पाए, तो जिसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी वो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए थी। गोइंग मैरी बोलती है कि कोई नहीं मैं अब भी खुश हूँ, और यहाँ से एपिसोड दोस्तों ख़त्म हो जाता है। अब क्या होता है, जितने भी ग्लोलो कंपनी के वर्कर्स होते हैं वो वाटर सेवन को ठीक करने में लग जाते हैं, सब अपना अपना काम देख रहे होते हैं। इधर जो क्या बोलते हैं आइसबर्ग होता है वो बोलता है उससे क्या बोलते हैं फ्रेंकी से कि मैं जो हूँ अब पूरे वाटर सेवन क्या करूँगा एक शिप में तब्दील कर दूंगा, एक फ्लोटिंग जो है आइलैंड इसे बना दूंगा। वो बोलता है ऐसा पॉसिबल है, वो बोलता है कि हम लोगों ने उनसे काम सीखा है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते थे, टॉम सान। ये सुन के जो है अब जो फ्रेंकी होता है पहुँचता है लूफी पायरेट्स के पास पहुँचता है,
और उनसे बोलता है कि जो तुम्हारे 200 मिलियन बैरी थे ना, उसका मैंने एक पेड़ का टुकड़ा ले लिया है, और मैं जो हूँ एक ड्रीम शिप बनाना चाहता था अपनी, जो क्या कर सके, किसी भी मतलब ओशियन में तैर सके बिना किसी दिक्कत के। तो मैं जब वो, और मेरे पास उसके ब्लू प्रिंट्स भी हैं, तो मैं जब उस शिप को बनाऊंगा, वो मैं तुम्हें क्या करूंगा, गिफ्ट कर दूंगा। वो शिप जो है वो बना, अपनी ड्रीम शिप बना के मतलब लूफी लोग को दे देगा। इधर जो फ्रैंक की फैमिली, उन्होंने भी अपना घर बनाना शुरू कर दिया है, और जो मॉन्स्टर थे दोनों, वो दोनों बच गए हैं। और अब होता क्या है, वाटर सेवन में एक नए बंदे की एंट्री होती है, वहाँ पे मरीन वाले आ जाते हैं, और उसका नाम होता है क्या, गार्प, वाइस एडमिरल गार्प आ गए हैं। और वो होता क्या है, सीधा पहुँच जाते हैं लूफी के कमरे में, गेट तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे कोई मंकी डी लूफी है, मैं उससे मिलने आया हूँ। इतनी देर में फ्रैंकी सांजी कुछ बोलते इससे पहले ही लूफी के खोपड़े में घूसा रख देते हैं कौन, गार्प। वो और जो लूफी होता है वो बोलता है ग्रैंडपा, दादाजी आप, और सब वहाँ पे चौंक जाते हैं। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना सावधान, गुड बाय।